आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई पे एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले डेटा को समझिए, हमारा डेटा क्या है। तो डेटा हमारा डेट वाइज हमारे मान लीजिए ट्रेनिंग या ट्रेनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी है। तो पावर बीआई के लिए जो हमारे पास डेटा है उसको एक बार देख लीजिए। डेट है, नेम है, सिटीज है, प्रोडक्ट है, डिवाइस है, किस डिवाइस से ज्वाइन किया गया है, किस साइट से उन्होंने किया है, टाइप कस्टम हमारा न्यू है या फिर ओल्ड है, और कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और कितना ड्यूरेशन उन्होंने दिया है क्लास के लिए। ये डेटा आपके सामने दिख रहा है और इस डेटा के ऊपर मैं एक विजुलाइजेशन मैंने एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड तैयार करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कैसे मैं तैयार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर गेट डेटा पर गया और मैं लोकेशन पर जाके डैशबोर्ड वन को सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। सबसे पहले डेटा को हम ये करते हैं, डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने लोड कर देते हैं। ओके तो डेटा हमारे आ गए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एक ये शो करना चाहता हूँ कि आखिर टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुए कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुए कितने हैं, राइट। तो मैं इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इनवॉइस क्रिएटेड या जनरेटेड, आप दे सकते हैं। हेडिंग हमने दिया, इसकी कलर या इसके हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम इसको 14 कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, हमें हमारा डेट देना होगा। यहाँ पे डेट का पीरियड देना है कि किस डेट से किस डेट तक का ये हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो डेटा में हमारे पास डेट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मॉडलिंग में जाता हूँ और न्यू मेजर्स में आता हूँ। क्योंकि न्यू मेजर्स में आने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला मिनिमम का, मिनिमम, और यहाँ पे मैं मीन का फॉर्मूला लगाता हूँ और मीन के फॉर्मूला में हम डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। पे देते हैं, वापस न्यू मेजर्स में आते हैं और यहां पे हम मैक्स का फॉर्मूला बनाते हैं और मैक्स के फॉर्मूला में यहां मैक्स में यहां पे मिनिमम मिन लिखा है, 2 लिखना चाहिए था यहां पे 2। मैक्स मैक्स के फॉर्मूले में हम वापस डेट को देते हैं ताकि हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट पता चल जाए। और मैं मिन को चेंज करना चाहूंगा, मिन पे क्लिक किया और यहाँ पे मिन के जगह पे फ्रॉम लिख देता हूँ, फ्रॉम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ और टेबल से रख कर लेता हूँ। लेकिन इसमें देखिए क्या आ रहा है, टाइम डेट का फॉर्मेट नहीं आ रहा, दिख रहा है सर आपको, ये 12 बजे AM कर रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं वापस इसमें चेंज कर देता हूँ। आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मेट लगाएंगे फॉर्मूला फॉर्मेट का और अपना फॉर्मेट दे देते हैं जो हमें चाहिए, DD/MM/YY, या सिर्फ मंथ चाहिए तो मंथ भी हम ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप फॉर्मेट दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको रखता हूँ फॉर्म का,
और टेबल फॉर्मेट दे देता हूँ, हालांकि मैं इसके लिए कार्ड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कार्ड यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ। उसके बाद फिर मैं यहीं पे टू में आता हूँ और इसको भी जैसे जानते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट लगा देते हैं, फॉर्मेट, और यहाँ पे हम dd/mmm/yy। और फिर इस टू को हम यहाँ रखते हैं टेबल फॉर्मेट में, ये टू एन फॉर्मेट आ गया। अब मुझे टोटल इनवॉइस जनरेटेड का काउंट निकालना है, तो फिर वापस मैं मेजर्स में जाऊंगा और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ये नहीं देना है, मतलब कि इनवॉइस, और यहाँ पे मैं काउंट ए का फॉर्मा लगा देता हूँ, काउंट ए, और इसमें मैं नेम को काउंट कर लेता हूँ। आखिर नंबर ऑफ एंट्री है कितना ये पता चल जाएगा मुझे इससे। तो आईएनवी को मैं यहाँ रख देता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट दे देता हूँ, हाँ हमने इसको यूज कर लिया, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में रखना ठीक नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें जाकर रखते हैं, इसमें बेटर सही रहेगा क्योंकि ये फिगर है दिखना चाहिए, छोटा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पे हमने ही ले लिया, यहां पे पीछे का एरिया नहीं दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में आते हैं, बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं इसका, ठीक है सर। दूसरा ये आई एन वी दिख रहा था, आई एन वी के जगह पे मुझे इनवाइस लिखना चाहिए ना, तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ और आई एन वी के जगह पे या फिर बिल इनवाइस कुछ भी लिख दीजिए, मुझे बिल लिख देता हूँ, बिल हो गया। ओके तो एक पैटर्न दिख गया कि भाई टोटल इनवाइस क्रिएटेड यहाँ से यहाँ तक डेट दिख गया और ये हमारा दिख गया। अब मुझे सिटी वाइज यहाँ पे दिखाने हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसमें मैं सिटी को दे रख देता हूँ, सिटी क्लिक कर दिया, और इसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग काउंट, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा दिखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे इसको रखता हूँ। अब इसमें इसका ज्योग्राफिकल डेटा भी मुझे शो करना है, तो मैं डेटा में जाता हूँ और इसको सिटी को, जो हमारा सिटी है, इस सिटी को हम सेलेक्ट करते हैं और डेटा टाइप में टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे हम नहीं, ये कैटेगरी होगा, कैटेगरी के जगह पे हम इसको सिटी सेलेक्ट कर देते हैं। अब इस पे आते हैं अपने, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फील्ड मैप लेता हूँ, फील्ड मैप, और फील्ड मैप को मैं यहाँ रखता हूँ, पूरा में यहाँ से और इसकी फॉर्मेट में जाके इसका बैकग्राउंड आया ऑफ ही है, इस पर मैं अपना सिटी रखता हूँ, सिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी,
इसकी लॉग काउंट, ओके। उसके बाद सिटी आ गया लेजेंड टूल टिप, लेजेंड में इसको रख देता हूँ लेजेंड में, अगर मैप पे लेता हूँ तो क्या होता है, हाँ मैप में सही दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये रहा काउंट, अब सही है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसको और हटा देता हूँ, हाँ अब बेटर है पहले से, ये हो गया। उसके बाद कुछ और हमें डिटेल्स देने हैं, जैसे कि टोटल टोटल यूजर्स, टोटल यूजर्स कितने हुए, टोटल सेशन कितने का हुआ, यूजर वाइज और सेशन वाइज, ये पूरा हमें देना है डिटेल, नेम वाइज टोटल यूजर्स कितने हुए। तो मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, टोटल यूजर्स के लिए तो टोटल चाहिए ना हमें सम, तो मॉडलिंग में आता हूँ, मेजर्स में जाता हूँ, और यहां पे मैं देता हूं टोटल लॉग, और यहां पे मैं सम, सम के अंदर में लॉग काउंट ले देता हूं, ड्यूरेशंस, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशंस में मैं यहाँ पे सम लेता हूँ और सम में यहाँ पे ड्यूरेशंस को दे देता हूँ, तो दो हो गया। अब यहाँ पे दो कार्ड हम रख देते हैं, यहाँ से ये रहा हमारा कार्ड, एक कार्ड हम यहाँ रखते हैं, इसमें टोटल लॉग दे देते हैं, कितना होगा 13,000 समथिंग टोटल लॉग है, और इसी के नीचे हम दे देते हैं एक और कार्ड, इसमें हम दे देते हैं टोटल ड्यूरेशंस 4m, और इसकी भी अपना एक बैक फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो व्हाइट के जगह पे, मैं थोड़ा सा ब्लू करना चाहता हूँ और इसको ग्रीन करना चाहता हूँ बैकग्राउंड, तो इसको हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन आ गया, कस्टम कलर से भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये टोटल ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हमने इसको डिसाइड किया, लेकिन ये इसके लेबल में नहीं है, तो थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे जो है एक और चीज़ देना था गैप, मतलब कि पर डे के हिसाब से कितना सेल हुआ, समझे कि पर डे के हिसाब से कितना सेल हुआ है, तो कैसे निकलेगा पर डे, तो आइए न्यू मेजर्स में चलते हैं, तो न्यू मेजर्स में हमारे पास पर डे निकालना है, तो पर डे में हमारा ये क्या है, टोटल लॉग, टोटल लॉग डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय में यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू माइनस फ्रॉम, डे निकल जाएगा ना ये, तो पर डे का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको टेबल फॉर्मेट में रखता हूँ और यहाँ पे पर डे डाल देता हूँ, पर डे इसमें सही नहीं है, नीचे नहीं आ रहा, मैंने नीचे देना है पर डे, तो कार्ड ही ले लेता हूँ मैं, कार्ड में मैं यहाँ पे पर डे डाल देता हूँ, जो ए है
फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा देता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। इसकी जो टेक्स्ट साइज है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टाइटल, डिग्री हो गया और यहाँ पे डेटा लेवल है तो कलर ब्लैक रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लैक की जगह पे मैं इसको वाइट भी कर सकता हूँ, वाइट भी अच्छा होगा। और इसकी जो साइज है टेक्स्ट साइज उसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसको आप बैठा सकते हैं। ओके, और यहां भी पर डे के लिए और यहां पे भी पर डे के लिए और भी चीजें यहां पे सेम चीज हम कर सकते हैं। तो वापस न्यू मेजर्स में जाते हैं, दो बार इस पर स्पेस मार देता हूँ पर डे, तो ये पर डे यहाँ पर है ना, तो दो बार स्पेस मार दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं करता हूँ टोटल ड्यूरेशन है टोटल ड्यूरेशन, टोटल दो बार स्पेस मार गए इसका मेजर से लग रहा है, टाइप कुछ अलग ही लग रहा है, टी आ रहा है उसके इधर, अगर टेबल में देखोगे आप तो टोटल ड्यूरेशन को क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे पहले लिख लिखा हुआ है न्यू मेजर्स, और मेजर्स में मैं यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, सम कर देता हूँ कि सम सम में टोटल ड्यूरेशन, अच्छा ड्यूरेशन था ना सम, टोटल ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन है ना उधर, यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन तो कैलकुलेटेड था ना, तो वो तो ऑलरेडी मेजर है ना, वही तो बोला ऑलरेडी मेजर्स हैं तो लेना चाहिए ना इसको यहाँ पे, पर वो कुछ अलग दिख रहा है, पी आ रहा है उसके सामने, वो समझ नहीं आ रहा कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे क्या हाँ वो हाँ इस कारण से नहीं ले पा रहा है, राइट ड्यूरेशन माइनस मैक्सिमम फ्रॉम फ्रॉम माइनस टू, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे मैं अंडर यहाँ पे अंडरस्कोर पे डालते हैं टेबल फॉर्मेट में करते हैं तो कैसे आता है, इस तरह से आता है, नहीं टेबल फॉर्मेट में नहीं डालना है,
यहाँ पर टेबल लेना होता और फिर इसमें हमें टेबल नहीं, टेबल तो दिक्कत हो जाएगा ना। और इसकी बैकग्राउंड हटा देता हूँ, लेवल साइज वाइट और इसकी ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ, मतलब कि 12। इसकी जो ड्यूरेशन है फॉर्मेट में, ये आपका कैटेगरी का जो ड्यूरेशन है इसको भी कम कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला अगला टॉपिक चूज करते हैं। अगला, अब आगे का काम आसान है। मुझे यहाँ पे एक चार्ट चाहिए, वो चाहिए कॉलम कर्सर चार्ट। कॉलम कर्सर चार्ट को हमने यहाँ लिया, आगे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसमें नेम वाइज मुझे यहाँ पे अपनी लॉग का टोटल चाहिए। कहाँ गया यहाँ पे टोटल काउंट, लॉग काउंट। फिर इसके नीचे एक और हम कर्सर, ये कर्सर कॉलम ही लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ही नेम वाइज यहाँ पे हम लॉग लॉग करने, इस पर ड्यूरेशन को लेते हैं, ड्यूरेशंस यहाँ आपको देख। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हम देते हैं प्रोडक्ट लॉग काउंट, सेम इसको लेते हैं। उसके बाद इसमें हमारा साइट लॉग काउंट, उसके बाद फिर एक और लेते हैं, इसमें आता है साइट लॉग काउंट, उसके बाद लास्ट इसमें डिवाइस हो जाता है। ये तो सेम हो गए दोनों। हाँ तो वेबसाइट है ना, अलग अलग नहीं यार, एक ही है प्रोडक्ट हो गए। एक मिनट, हाँ ये दोनों एक ही हो गए। तो इसमें हम साइट के जगह पे हमें प्रोडक्ट दे दिया, साइट दे दिया, डिवाइस था ना, हाँ डिवाइस, प्रोडक्ट हटा, साइट हटा देते इसमें। तो हम यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाइज कर दिया, साइट वाइज कर दिया, डिवाइस वाइज कर दिया और एक टाइप बाई होता है कि टोटल कितने हैं, इसी को लेता हूँ मैं, और इस टाइप एंड यहाँ पे लॉग काउंट। ओके, अब ये हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया। ठीक है सर, हमने यहाँ पे अपनी एक रिपोर्ट जनरेट कर ली। अब इस रिपोर्ट को आप सेव कर दीजिए
और सेव करने के बाद इसको जहां शेयर करना चाहते हैं वहां पे इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये डेटा आप लोगों को भेज देता हूं, आप लोग भी इसी तरह का रिपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। राइट सर, ओके मैं डेटा भेज देता हूँ आपको।